नमस्ते। ओशो ज़ेन टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ टोटैलिटी की, और कार्ड ऑफ टोटैलिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं राइडर वेट के कार्ड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये ओशो ज़ेन टैरो की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस में से एक हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है जागरण के सूत्र हैं। ये वीडियो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो कार्ड ऑफ टोटैलिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो सबसे पहली बात, कंपैरिजन इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की अपनी एक कहानी है और टोटैलिटी जो है बिल्कुल ही अलग बात करता है। लेकिन क्योंकि कंपैरिजन की बात है तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स की बात भी हम करेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स में हम देखते हैं कि पांच लोग अपने पांच वॉन्ड्स के साथ जो है आपस में लड़ते हुए या खेलते हुए जो है दिखते हैं, और सारे के सारे वॉन्ड्स जो हैं अपनी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि एनर्जी जो है एक डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रही है, कि एनर्जी में कन्फ्यूजन है, केओस है और क्लैरिटी की कमी है। जैसे कि सब कह रहे हैं कि मैं सही हूँ, लेकिन इस कन्फ्यूजन के कारण, इस स्थिति के कारण कोई भी सही नहीं हो पा रहा। और एक चीज़ और याद रखने की है कि जब भी हम पांच की बात करते हैं, सारे के सारे जितने भी सूट्स में जितने भी पांच आते हैं, वहाँ से जो है एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है, एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाती है। यानी कि ए से ले तक फाइव तक जितने भी कार्ड्स होते हैं उसमें एनर्जी डिफरेंट होती है, और फाइव के बाद जो है एनर्जी डिफरेंट हो जाती है जो कि टेन तक जाती है। सो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी फाइव ऑफ वॉन्ड्स की। तो अब बात करते हैं द कार्ड ऑफ टोटैलिटी की। कार्ड के पिचोरे में हम देख सकते हैं एक तरह की सर्कस की जो है एक स्थिति दिखाई गई है, जहाँ पे जो है तीन वुमेन जो है एक करतब दिखाते हुए दिख रही हैं, और करतब कुछ ऐसा है कि एक जंप की स्थिति है जहाँ पे जो है वो एक लड़की के हाथ छोड़ के वो दूसरी लड़की के हाथ पकड़ेगी, और ये स्थिति कुछ ऐसी है जहाँ पे आपको अपनी टोटैलिटी चाहिए होगी, जहाँ पे आपको अपनी पूरी की पूरी क्षमता चाहिए होगी, आपकी पूरी प्रेजेंस चाहिए होगी। इस वक्त जो है आप कुछ नहीं सोच सकते, इस वक्त जो है आपके अंदर कोई और थॉट नहीं आ सकता, इस वक्त आपकी टोटैलिटी के कारण ही जो है ये कर्तव्य जो है घट पाएगा। तो कार्ड ऑफ टोटैलिटी जो है हमारे को मैसेज देता है कि जितने हम टोटल हो जाते हैं, जितने हम इस मोमेंट में प्रेजेंट हो जाते हैं, उतना जो है हमारा खुद के साथ जो है एक कनेक्शन बन जाता है, उतना जो है हम प्रेजेंट हो जाते हैं। और हो ये रहा है कि हम प्रेजेंट हैं नहीं, हम कहीं ना कहीं एब्सेंट माइंडेड ही हैं। जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं वो कुछ इस तरह से जीते हैं कि हम सारे काम जो हैं कहीं ना कहीं मैकेनिकली कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो टाइम को देख के खाना खा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो टाइम को देख के ऑफिस जा रहे हैं, उठ रहे हैं तो टाइम को देख के उठ रहे हैं। मतलब हमारा सारा जीवन जो है घड़ी के अनुसार जो है हो चुका है। लेकिन घड़ी का पर्पस ये था कि आप जो है काम समय पे कर सके, उसका ये पर्पस नहीं था कि आपकी लाइफ मैकेनिकल बन जाए, कि आपकी लाइफ जो है एक ऑटो पायलट में चली जाए। और वीडियो की शुरुआत में मैंने ये बात करी कि ये वीडियो जो है इस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस ओशो ज़ेन टैरो की, क्योंकि जो टोटैलिटी की जो बात है वो कुछ ऐसी है कि हमें लगता है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, उसके अंदर जो है हमारी टेंशन जो है पूरी होती है, हमारी टोटैलिटी पूरी होती है वहाँ पे। लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके अंदर जो है जैसे हम एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, उसके अंदर जो है हम जैसे ऑटो पायलट में चले जाते हैं, और उस ऑटो पायलट में जो है एक बेहोशी की स्थिति में जो है चीज़ें आपके साथ घट रही होती हैं। अगर आपने देखा हो, आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते चलाते जो है सामने भी देख रहे हैं, म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, मोबाइल पर जो है मैसेजिंग भी कर रहे हैं, कि आपकी जो अटेंशन है वो पूरी की पूरी जो है बढ़ चुकी है, कि आपका जो फोकस जो होना चाहिए ऑन द रोड वो पूरी तरह से ना होके जो है इन सब चीज़ों के ऊपर जो है स्प्रेड हो गया है। और गाड़ी चलाते हुए सिर्फ इतना ही नहीं, आपके अंदर थॉट्स भी चल रहे हैं, आपके अंदर और बहुत सारे विचार चल रहे हैं। तो कुल मिला के हमारी स्थिति कुछ ऐसी है कि जब भी हम कुछ करते हैं उसमें हम इतने बटे होते हैं, हम उतने स्कैटर्ड होते हैं कि हमारी टोटैलिटी उसमें मिसिंग होती है। और गुरु ओशो का जो है इसमें ये कहना है कि जितने आप प्रेजेंट हो जाते हैं, जितने आप टोटल हो जाते हैं इस मोमेंट में,
उतना जो है आप बुद्धत्व के करीब आ जाते हैं। वो कहते हैं बुद्ध और आपके बीच में एक छोटा सा फर्क है कि बुद्ध जो है अपनी लाइफ में टोटल है, प्रेजेंट है, और अगर हम आपकी बात करें, आप जो हैं बेहोशी की स्थिति में हैं। आप वही सब काम कर रहे हैं जो बुद्ध कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध जागृत अवस्था में कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस में कर रहे हैं, अपनी टोटालिटी में कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बेहोशी में कर रहे हैं। गुरु ओशो कहते हैं कि बुद्ध और आपके बीच में जो है एक पलक भर का जो है डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इतना छोटा सा है, लेकिन फिर भी जो है वो डिफरेंस जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क कहीं ना कहीं कर देता है, और वो फ़र्क है जागृति का, और वो फ़र्क है टोटालिटी का, कि बुद्ध जब भी कुछ काम करेंगे उसमें पूरी तरह से प्रेजेंट होंगे। एक छोटी सी घटना बुद्ध के जीवन में है कि बुद्ध जो है आनंद से बात कर रहे हैं, और बात करते करते जो है उन्होंने जो है एक मक्खी को उड़ा दिया, और उन्होंने अपनी बात जो है कंटिन्यू रखी। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद जो है उन्होंने दोबारा से अपना जो है हाथ वो लेके गए और एक मक्खी को उड़ाया जो कि वहां पे थी ही नहीं। आनंद ये सब कुछ देख रहा था। आनंद जो है बुद्ध के सबसे करीबी शिष्यों में से था, और वो बुद्ध के हमेशा जो है करीब रहता था। 40 वर्षों तक जो है वो बुद्ध की सेवा में थे। आनंद के सामने कुछ भी जब घटता था तो वो बुद्ध से ज़रूर पूछते थे। तो उन्होंने पूछा कि बंते, जब पहली बार जब मक्खी जो है आपके ऊपर आके बैठी थी तो आपने जो है हाथ हिलाया था, तो वो मुझे समझ में आता है, लेकिन दूसरी बार तो कोई मक्खी थी ही नहीं। तो बुद्ध मुस्कुराए, तो उन्होंने बोला पहली बार जो है बेहोशी की स्थिति में जो है मैंने हाथ हिला दिया और मक्खी को उड़ा दिया, और मक्खी को लग भी सकती थी। उस वक्त जो था मेरा एक ऑटो पायलट, मेरी जो बेहोशी थी उस वक्त वो काम कर रही थी, और दूसरी बार अपने आप को करेक्ट करने के लिए, अपने आप को जो है एक लेसन याद दिलाने के लिए कि हर काम जो है होश के साथ करना है, हर काम जो है टोटालिटी के साथ करना है, हर काम जो है प्रेजेंट होके करना है। तो जब दूसरी बार मक्खी उड़ाई तो अपने आप को एक रिमाइंड कराया, अपने आप को जो है एक लेसन दिया कि मुझे कुछ भी करना है तो अपनी जो है टोटल प्रेजेंस के साथ करना है। और गुरु ओशो ये भी बात बोलते हैं कि बहुत बारी जो टास्क जो हैं, जो आप रिपीट करते हैं, जो आप बार बार आपको करने पड़ते हैं, वहाँ पे जो है आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वहाँ पे जो है आप उसको एक हैबिट का एक पैटर्न बना लेते हैं, और वो हैबिट का पैटर्न इसलिए भी बनता है क्योंकि आपके लिए वो काम जो है बोरिंग हो जाता है, और जब भी काम आपके लिए बोरिंग हो जाता है तो वो तो उसी वक्त जो है आपका जो ऑटो पायलट है, आपकी जो बेहोशी है, उस वक्त वो जो है आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। और उन्होंने एक बहुत एक कमाल की बात बोली है कि जिस वक्त आपके भीतर जो है बोरियत इकट्ठी होनी शुरू हो जाए, जब आप बोरियत को जो है एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें, दैट इज़ द पॉइंट, उस वक्त वो समय है कि आप जो है उसको जो है पूरी तरह से स्वीकार कर लें। उस बोरियत की स्वीकार में जो है आपकी जो ऊर्जा है, वो जो बोरियत बन रही थी, वो जो है जागृति में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, वो ऊर्जा जो है होश बन जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसे बहुत सारी स्थितियां आपके जीवन में होती हैं जब आप जो है बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। जिस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं, सुबह उठते हैं और रात तक जो है जिस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं, वो एक तरह से एक बड़े एक बेहोशी के पैटर्न में जीते हैं। तो अब इस वीडियो के थ्रू आपको एक ही लेसन है, एक ही मैसेज है इस कार्ड ऑफ टोटैलिटी का, कि इसी क्षण, इसी वक्त, इस वीडियो को देखते हुए अगर आप अपने भीतर जो है एक प्रण करते हैं, आप अपने भीतर एक जो है संकल्प करते हैं कि मैं कुछ भी करूंगा अपने होश में करूंगा, कि उठूंगा तो होश से, चलूंगा तो होश से, खाऊंगा तो होश से, हर काम में जो है आप जो है होश को जो है प्रवेश दे देंगे, और इस होश के प्रवेश के कारण जो है आप देखेंगे एक चमत्कार होगा कि आपकी जो है प्रेजेंस जो है वो टोटल होनी शुरू हो जाएगी, उसके अंदर एक टोटैलिटी आनी शुरू हो जाएगी। आप और ज्यादा से ज्यादा जो है इस मूवमेंट के अंदर जो है उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और जितने आप इस मूवमेंट में हो जाएंगे उतना जो है जिसको हम एक्सटेसी कहें, जिसको हम जॉय कहें, जिसको हम सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ कहें, उसको आप जो है एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। तो संतों के कहे जो है एक ही पाप है, वो है बेहोशी।
और एक ही पुण्य है, वो है होश। जितने आप होश के अंदर काम करते हैं, उतना जो है आपके अंदर जो है पुण्य घटना शुरू हो जाता है, उतनी जो है आपकी लाइफ जो है पवित्र होनी शुरू हो जाती है। और जितना जो है आप अपनी ज़िंदगी जो है बेहोशी में जीते हैं, उतनी जो है आपके अंदर जो है पाप इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे काम होते हैं जिसके अंदर जो है आप प्रेजेंट ही नहीं होते। तो छोटी छोटी मोमेंट्स जो है लाइफ की, वो बहुत बड़ी मोमेंट्स हो सकती हैं। और गुरु ओशो कहते हैं कि सबके पास एक ही मोमेंट होती है, सबको एक ही मोमेंट मिली है, ये क्षण मिला हुआ है। इसी क्षण के अंदर जो है आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, इसी क्षण में जो है सब कुछ घट सकता है, बुद्धत्व घट सकता है। यही क्षण जो है वो आपको सब कुछ दे देगा, वो आपको ऐसी फुलफिलमेंट दे देगा जो आप सदा से चाहते थे। तो आप नोटिस कर सकते हैं, जब भी जो है आप टोटल नहीं हैं, तब आप देख सकते हैं कि आप विचारों में चले गए हैं, आप अपने मन के अंदर घुस गए हैं, आप अपने मन के साथ जो है व्यस्त हो गए हैं। और जब भी आप टोटल होंगे, आप देखेंगे आप अपने शरीर को जो है ज़्यादा महसूस कर पाएंगे, आपके जो फीट हैं, आपके जो पैर हैं, वो आपको ज़मीन पे महसूस होंगे। यही सीक्रेट है, यही मैसेज है द कार्ड ऑफ टोटालिटी का। और ये मैसेज इतना छोटा सा है लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम टोटल होना सीख जाए इस मूवमेंट में, कुछ भी करते हो। सदगुरु एग्जाम्पल देते हैं एक कसाई का, जो कि मीट को जो है काटने का काम करता है, लेकिन वो काम जो है उसने इतनी टोटालिटी से करा कि उसमें जो है उसका बुद्धत्व घट गया। तो क्या आप करते हैं उसका सवाल नहीं है, कितनी प्रेजेंस के साथ करते हैं, किस तरह से करते हैं, कितनी टोटालिटी के साथ करते हैं, सारी की सारी बात वो है। सो इस वीडियो का जो है एक छोटा सा मैसेज है वो ये कि आप किसी काम को छोटा मत समझिए। ऐसा मत समझिए कि किसी काम के अंदर आपको ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी और किसी काम को जो है आपको कम अटेंशन देनी पड़ेगी। नहीं, सारे कामों में जो है आपकी एक बराबर इंटेंशन चाहिए, आपकी जो है टोटालिटी चाहिए। फिर चाहे वो एक ग्लास पानी पीने का हो, चाहे वो चलने का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, लेकिन कुछ भी करें उसमें टोटालिटी रखें। और जितनी आपके अंदर टोटालिटी रहेगी, जितनी उसके अंदर जो है प्रेजेंस रहेगी, आप देखेंगे आपको चीज़ें जो हैं सब चीज़ें याद रखनी शुरू हुई, कि आप देखेंगे कि आपको सब चीज़ें याद होनी शुरू हो गई। आपकी जो मेमोरी है वो काम ही तभी करती है जब आप जो है प्रेजेंट होते हैं, जब आप जो है अटेंशन दे रहे होते हैं। लैक ऑफ अटेंशन के कारण जो है आपकी मेमोरी नहीं बनती है। अगर आप अपनी लाइफ को देखेंगे, जब भी आपके अंदर भीतर जो है जो मेमोरी जो क्रिएट हुई है, वो मेमोरी इसलिए क्रिएट हुई है कि क्योंकि उस क्षण में जो थे आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, टोटल थे, अटेंटिव थे। एक और छोटी सी घटना है भगवान बुद्ध के जीवन की। जैसे कि मैंने पहले बात करी कि आनंद जो है भगवान बुद्ध को जो है दिन रात जो है ऑब्जर्व करता था, उनके बिहेवियर को देखता था, उनको जो है ध्यान करते हुए देखता था, उनको चलते हुए देखता था, उनको सोते हुए देखता था, उनके हर चीज़ को नोटिस करता था। एक चीज़ जो है बहुत समय से जो है आनंद जो देखता था वो ये कि जब बुद्ध सोते थे, जिस करवट सोते थे उसी करवट में जो है सुबह उठते थे, वो सारी रात एक हल्की सी मूवमेंट भी नहीं करते थे, वो जैसे सोए हैं वो वैसे ही सोए रहते हैं। तो एक दिन जो है आनंद ने उनसे पूछा कि भंते, कि आप जब सोते हैं तो आप हिलते नहीं, आप कोई करवट भी नहीं लेते। हमारा तो ये है कि हम जब सोते हैं कभी इस करवट, कभी उस करवट, कभी सीधा, कभी उल्टा, लेकिन आप जब सोते हैं तो एक हल्की सी मूवमेंट भी नहीं होती। इसके पीछे क्या राज है? क्या आप अपने साथ ज़बरदस्ती करते हैं? क्या आप अपने आप को जो है कंट्रोल करते हैं उस मूवमेंट में? तो भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब सोता हूँ तो मैं पूरी तरह से टोटालिटी के साथ जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता हूँ। शरीर सो रहा होता है, मैं भीतर जाग रहा होता हूँ, मैं भीतर जो है समाधि में होता हूँ। शरीर को निद्रा की ज़रूरत होती है, मुझे निद्रा की ज़रूरत नहीं है। मेरे भीतर तो जागरण घट चुका है और इस जागरण के बाद जो है मेरा अब सोना जो है पॉसिबल नहीं है। इसलिए
जिस करवट सोता हूँ उसी करवट जो है उठा देता हूँ अपने आप को, और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन भीतर जो है एक जागृति की अवस्था बनी रहती है, भीतर जो है इतनी टोटालिटी बनी रहती है कि मैं उस मोमेंट में पूरी तरह से इन्वॉल्व होता हूँ। तो इस कहानी में भी जो है वही मैसेज है टोटालिटी का। और ये जो बुद्धत्व की जो क्षमता है ये आपके अंदर भी है, कि जिनको आप पूजा करते हो, जिनको आप देखते हो, जिनको आप अपना आइडल समझते हो, यही सेम क्षमता जो है आपके अंदर भी है। जो क्षमता जो है बुद्ध को मिली है, जो क्षमता सद्गुरु को मिली है, जो क्षमता ओशो को मिली है, जो क्षमता किसी भी एनलाइटन व्यक्ति को मिली है, वो क्षमता आपके भीतर भी है। उनको बड़ा बना के ये मत सोचिए कि आपके अंदर क्षमता नहीं है, वो सिर्फ एक एस्केपिज्म का मार्ग है, वो सिर्फ जो है आप अपनी क्षमता को जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक्सेप्ट करेंगे तो काम करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करेंगे तो फिर रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो इस कार्ड ऑफ टोटालिटी के साथ जो है मैं आपको यही मैसेज देता हूँ कि अपनी क्षमता को स्वीकार कीजिए, अपनी टोटालिटी के अंदर जो है जितना हो सके उतना हो जाइए, और बुद्धत्व आपका स्वभाव है, उसको जो है स्वीकार कीजिए, उसको जो है जीना शुरू कीजिए। तो इस वीडियो को मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।